Everyone, my name is Shashi Pande I'm from IIT Lucknow. in today's lecture we are talking about uh, the variation of output voltage with linear displacement of an LVDT. So in previous lecture what things uh, already has been covered that is your basic concept of LVDT, how LVDT works, what is the construction of LVDT and which materials uh, we have using for designing, एनी एलवीडी टी डि ओके सो बेसिकली वॉट इज योअर एलवी डी टी इज दैट इज योर लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर ओके सो इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ आवर आउटपुट वोल्टेज हैज़ बीन वेरिड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डिसप्लेसमेंट वैल्यू ओके सो बेसिकली इन प्रीवियस लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ओके कंस्ट्रक्शन डायग्राम हमने देखा था एल का उसमें हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा था कि ये कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है देयर इज़ वन प्राइमरी वाइंडिंग एंड टू आइडेंटिकली सेकेंडरी वाइंडिंग हैज़ बीन प्लेस्ड ठीक है ये आपका एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स इस आइडेंटिकली इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं ठीक है और जो इनकी पोजीशन होती है वो एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में हम ऐड करते हैं सो so दैट हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिले वो हमें नेट डिफरेंस फॉर्म में मिले ओके okay? तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था दैट इज वी वन माइनस वी टू ओके केस फर्स्ट की बात हमने किया था दैट इज़ योर नल पोजिशन ओके मीन्स जब आपका सॉफ्ट आयरन कोर था उसका मूवमेंट नहीं हो रहा था ठीक है मीन्स इट इज़ एन रेस्ट पोजिशन ठीक है जब हमारा सॉफ्ट आयरन कोर का मूवमेंट नहीं हो रहा तो इट इट मीन्स कि इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा ठीक है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो उसका आउटपुट वोल्टेज वोल्टेज है दैट शुड बी ज़ीरो ओके ज़ीरो कैसे होगा बिकॉज जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग्स में फ्लक्स जो इंड्यूस होगा और वो दोनों नेट अमाउंट में इक्वल होगा ठीक है आपका रिजल्टेंट जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है ई एस वन माइनस ई एस टू ओके तो नल पोजीशन में जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आएगा दैट विल योर ज़ीरो वोल्ट्स ओके तो नल पोजीशन में देखो हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करी है तो इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स वेरिएशन कैसे हो रहा है बेसिकली हमने देखा कि एट जीरो नल पोजीशन दिस इज़ ज़ीरो इंडिकेट्स योर नल पोजिशन ओके नल पोजीशन पे जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो जीरो मिलेगा तो ये आपका ज़ीरो हो गया ठीक है, है फिर उसके बाद जब हमारा कोर का मूवमेंट हुआ बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसके रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हम देखते हैं तो इसको ए सपोज ए मान लेते हैं ठीक है तो हमने ए कंसीडर किया तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा ठीक है और लीनियरली वैरी करेगा आ, अबाउट फाइव एम एम तक ठीक है बेसिकली फाइव एम एम तक हमारा जो डिसप्लेसमेंट आएगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी जब हमारा सॉफ्ट आयरन कोर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव करेगा ओके okay? तो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारा जो वोल्टेज आ रहा है वो हमारा उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी ठीक है जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो ई एस वन माइनस ई एस टू हो जाएगा उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा फिर उसके बाद आफ्टर फाइव एम एम के बाद हमारा जो ग्राफ होगा वो नॉन लीनियरली uh, होने लग जाएगा ठीक है मतलब हमारा जो लीनियर पैटर्न फॉलो करेगा वो फाइव एम एम तक ज़ीरो टू फाइव एम एम डिसप्लेसमेंट तक हमारा लीनियर फॉलो करेगा ठीक है फिर हम तीसरा केस डिस्कस करेंगे उसमें क्या होगा जब हमारे कोर का मूवमेंट आपका राइट हैंड डायरेक्शन में होगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये सॉफ्ट आयरन कोर आपका राइट हैंड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फिर वहाँ पर हमारा जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो एस टू ई एस टू माइनस ई एस वन होगा ठीक है और ये आपका नेगेटिव वोल्टेज होगा ठीक है तो इधर आप हम ग्राफ में देखेंगे कि कैसे इसको शो करेंगे तो ये सपोज ये बी पोजीशन यहाँ पर बी पोजीशन तक मूव किया ठीक है तो हमने एक बी पॉइंट लिया है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इसका वोल्टेज देगा ओके okay? तो ये हमारा लीनियरली इंक्रीज कर गया ठीक है बी पोजिशन तक फिर उसके बाद ये आफ्टर दिस फाइव एम एम ये डिक्रीज करने लग जाएगा ठीक है तो दिस इज़ द लीनियर रेंज जहाँ एल वर्क करता है ठीक है तो बेसिकली हमने देखा कि हमारा एलवी किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू uh, के प्रोपोर्शन में उसका आउटपुट वोल्टेज हमें दे रहा है इन सेवरल केसेस ओके सो केस फर्स्ट में हमने देखा था कि नल पोजीशन में अब एक चीज और देखते हैं एट नल पोजीशन जो हमें आइडियली uh, हमें वोल्टेज जीरो मिलना चाहिए ठीक है बट प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि देयर इज सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रेजेंट ओवर देयर ओके okay, कुछ वोल्टेज हमें इस जीरो पर भी मिल रहा है वो वो कैसा है वो क्यों मिल रहा है बिकॉज इस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे रेजिड्यूअल वोल्टेज ओके तो ये रेसीड्यूअल वोल्टेज क्यों हो रहा है बिकॉज देयर इज सम हार्मोनिक्स प्रेजेंट इन द इनपुट सप्लाई तो इस वजह से हम हमें कुछ हारमोनिक्स के कारण हमें कुछ सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिल रहा है ठीक है और इस वोल्टेज को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं थोड़ा बाय सम मीन्स ओके तो दिस इज़ द इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर एल ओके कि हाउ इट वर्क्स ठीक है तो ये आपके लीनियर रेंज में वर्क करेगा ठीक नेक्स्ट ओके सो दीज आर द वेरियस पोजिशन ऑफ एल बी डिटी कोर एट नल पोजिशन ठीक है यहाँ पर हमें आउटपुट वोल्टेज कितना हमने ग्राफ में देखा ई नॉट आपका ज़ीरो मिला था ठीक है फिर नेक्स्ट हमने देखा था जब हमारा ए पोजिशन में था तो हमारा आपका कोर आउटपुट वोल्टेज क्या था पॉजिटिव था ओके okay? और रिजल्टेंट वैल्यूज की क्या थी ई नॉट इज इक्वल टू ई एस वन माइनस ई एस टू ओके और फिर जब हमारा कोर की पोजीशन बी पोजीशन पे है कोर एट बी पोजीशन तो यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव वोल्टेज होगा ठीक है और इसकी वैल्यू कितनी होगी ई एस टू माइनस ई एस वन ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर एल इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स कि कैसे हमारा लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर में कैसे आपकी करेक्टरिस्टिक्स ड्रा हो रही है वो कैसे लीनियर रेंज को फॉलो कर रहा है और अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हमारी आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है ठीक है तो ये चीज़ें हमने कवर की ठीक है नेक्स्ट रेजिड्यूअल वोल्टेज मैंने आपको बताया था कि देयर इज सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रेजेंट ओवर देयर ठीक है तो उस वोल्टेज को नल पोजीशन में भी एक वोल्टेज होता है तो उसे नल पोजीशन कहते हैं ठीक है स्मॉल वोल्टेज एट नल पोजीशन इसी को हम रेजिड्यूल वोल्टेज बोलते हैं ठीक है ये किस लिए प्रेजेंट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हारमोनिक्स इन द सप्लाई वोल्टेज ठीक है तो मतलब कुछ जो हमारे जो हम सप्लाई दे रहे हैं उसमें हारमोनिक्स इंट्रोड्यूस होते हैं हारमोनिक्स होते हैं उन हारमोनिक्स के कारण कुछ डिस्टोशंस के वजह से कुछ सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रेजेंट होता है नल पोजीशन पे भी मतलब बिना डिस्प्लेसमेंट के भी हमें कुछ आउटपुट वोल्टेज uh, की वैल्यू मिल रही है ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू हारमोनिक्स प्रोड्यूस्ड इन आउटपुट वोल्टेज ऑन अकाउंट ऑफ यूज ऑफ आयरन कोर ठीक है नेक्स्ट ये भी रीज़न हो सकता है कि हम जो सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ कर रहे हैं तो उसके कारण भी हमारा कुछ हारमोनिक्स प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है आउटपुट वोल्टेज में नेक्स्ट आइदर एंड इनकम्प्लीट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक अनबैलेंस तो देयर आर सेवरल रीजन्स वायर रेसिड्यूअल वोल्टेज हैज़ बीन अराइज इन एल वी डी टीज ठीक है केस नल पोजिशन में भी हमें वोल्टेज क्यों मिल रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज बिकॉज ऑफ दीज रीज़न्स ओके नेक्स्ट नेक्स्ट मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ एलवीडीटी ओके सो अप टू दिस वी हैव कवर्ड द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एलवीडीटीज़ ओके व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल हाउ इट वर्क्स ओके ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी आफ्टर दैट दैट वी हैव टू रीड दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ योर एल ओके सो हम लीनियरिटी फर्स्ट इज जो हमने ग्राफ देखा था कि हमारा ये जो एल है वो लीनियर रेंज को फॉलो कर रहा है ठीक है तो द आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर इज प्रैक्टिकली लीनियर फॉर डिस्प्लेसमेंट अप टू 5 एम mm, एम ठीक है हमने देखा कि अप टू 5 एम mm एम जो हमारा डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है वो लीनियर मिल रहा है ठीक है आफ्टर 5 एम mm, एम हमारा नॉन लीनियर मिल रहा है ठीक है तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है ठीक है हमने ग्राफ के हेल्प से देखा था कि अप टू 5 एम mm, एम हमारा देखो ये जो वेरिएशन हो रहा है वो लीनियर हो रहा है आफ्टर देन ये नॉन लीनियर पैटर्न फॉलो कर रहा है ठीक है तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है Okay. A linearity of 0.05 percent is available in commercial LVDTs ok. Next advantage is that is your high range means with the help of LVDTs we are able to measure a uh, high amount of displacement so, range of displacement that can be measured means सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर एल ओके तो हम कहाँ 1.25 टू 250 फिफ्टी mm तक हम इसके डिस्प्लेसमेंट को मेज़र कर सकते हैं ओके नेक्स्ट इज 0.25 टू फाइव परसेंट फुल स्केल लीनियर टी और uh, होती है ठीक है और कितना uh, हम इसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ एलविडिटीज़ हम कुछ माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ द रेंज इज़ वेरी वेरी लेस ठीक है फॉर एग्जाम्पल जीरो पॉइंट जीरो थ्री एम है तो उसको भी हम विद द हेल्प ऑफ एलविडिटीज डिडक्ट कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं ओके सो नेक्स्ट इज़ फ्रिक्शन एंड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नो फिज़िकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द कोर एंड द कोयल ओके जब हमने इसके कंस्ट्रक्शन की बात की थी तो हमने उसमें देखा था कि हमारी जो इसकी सर्किट्री होती है वो कितने आइसोलेटेड फॉर्म में होती है किसी में भी एक दूसरे में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है तो बिकॉज इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता तो उसमें इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन और फ्रिक्शन का प्रॉब्लम नहीं होता है तो हमारा एल की जो डिज़ाइनिंग होती है उसका कंस्ट्रक्शन होता है तो इन सारी चीज़ों को टेक केयर करके ही बनाते हैं ठीक है तो उसकी हमारे फ्रिक्शन और लॉसेस का प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें ठीक है कोर में फिर नो वियर एंड टीयर ड्यू टू फ्रिक्शन अब जब आपका फ्रिक्शन नहीं होगा तो वियर एंड टीयर लॉसेस भी नहीं होगा ठीक है नो डैमेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट पार्ट ठीक है और इसमें कोई भी डैमेज ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है जो डैमेज हो पाए ठीक है डैमेज देम, वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज़ होते हैं बेसिकली देखिए हमने देखा था कि इसमें सॉफ्ट आयरन कोर होती है एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है दो आइडेंटिकल आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं ठीक है थीके? ऐसे ही सेटअप हमारा बनाया जाता है ठीक है तो इस इस तरीके से हमारा ये हमने देखा कि दीज आर द सेवरल एडवांटेजेस ऑफ़ योर एल ठीक है हमें क्या क्या मिलता है इसमें हम हाई रेंज मतलब एक रेस्पेक्टेड अमाउंट ऑफ रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर कर सकते हैं ठीक है इसमें इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन और फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होते हैं ठीक है मींस हमारा जो लॉसेस है फ्रिक्शनल लॉसेस, वीयर एंड टीयर इफेक्ट ये सब इसमें नल आउट होता है ओके तो दीज आर दैवरल एडवांटेजेज ऑफ एल ओके सो देर आर फ्यू फ्यू डिसएडवाटेज ऑफ एल ओके okay, और क्या एडवांटेजेस हम देख ले रहे हैं गिफ्ट इनफाइनाइट रेजोल्यूशन थ्रू आउट इट्स ऑपरेटिंग टाइम तो इसका रेजोल्यूशन भी अच्छा होता है ठीक है एलवीडीटी का और क्या होता है इम्यूनिटी फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स ठीक है हा इसका जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स होते हैं फॉर एग्जांपल इन्वायमेंटल जो प्रेशर या स्ट्रेस स्ट्रेन ये सारी चीज़ें होती हैं उनसे भी ये आइसोलेट होता है क्यों होता है क्योंकि हम जो इसकी बॉडी को रखते हैं वो स्टेनलेस स्टील वाले स्ट्रक्चर में रखते हैं सो दैट ये जो इफेक्ट्स हैं वो उसके अंदर कोलेप्स ना करके फिर हमारे आउटपुट को अफेक्ट ना कर पाए तो ये इम्यूनिटी देता है बेसिकली हमारे एक्सटर्नल इफेक्ट्स से ठीक है तो ये भी इसका एक एडवांटेज है ठीक है इम्यूनिटी फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स ठीक है क्या है सेपरेशन बिटवीन द कोर एंड क्वाइल परमिट्स द आइसोलेशन ऑफ प्रेसराइज ठीक है इससे क्या होता है आपका कोरोजन वगैरह का भी प्रॉब्लम नहीं होता ठीक है कोरोजन और कॉस्टिक फ्लूड्स ठीक है बेसिकली हमारा सेपरेशन होता है किसके किसके बीच में कोर एंड कॉइल के बीच में तो जो हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है ठीक है कॉइल्स uh, में प्राइमरी और सेकेंडरी में तो बेसिकली हमारा कोर और कॉइल्स के बीच में सेपरेशन होता है जो मतलब इम्यूनिटी देता है एक्सटर्नल इफेक्ट्स और उसमें कोरोजन और ये सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट हाई इनपुट एंड हाई सेंसिटिविटी बेसिकली हम कोई भी डिवाइस बना रहे हैं अगर वो सेंसिटिव नहीं है टूवर्ड्स द इनपुट सिग्नल तो हमारी वो डिवाइस ज़्यादा वर्किंग नहीं होगी बट एल का डिज़ाइनिंग ऐसे होता है कि दिस डिवाइस इज़ वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स अवर इनपुट सिग्नल्स ठीक है मीन्स वॉट एवर डिसप्लेसमेंट वैल्यू हैज़ बीन गिवन ओवर देयर इट विल बी डिडेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ठीक है तो हम इसमें एक रेंज देखें बेसिकली हम इसमें एक अच्छे uh, मतलब रेंज में आउटपुट वोल्टेज मेजर कर सकते हैं ठीक है डिस्प्लेसमेंट इसका कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकते हैं बेसिकली 1.25 पॉइंट टू फाइव एम एम टू टू फिफ्टी एम ठीक है नेक्स्ट हम माइन्यूट सा अगर डिस्प्लेसमेंट भी है तो भी हम उसे मेजर कर सकते हैं इट मीन्स इट डेफिनेटली मीन्स दैट दस डिवाइस इज हाई सेंसिटिव ठीक है मीन्स इट विल बी एबल टू मेजर मैक्सिमम और मिनिमम चेंज ठीक है फिर क्या होता है एल वी डी टी ए हाई आउटपुट ठीक है हाई सेंसिटिविटी अबाउट फोर्टी वोल्ट पर एम एम ठीक है तो आपका सेंसिटिविटी बेसिकली क्या होता है सेंसिटिविटी आपका आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट या फिर लेंथ ठीक है तो हमारा बेसिकली जो आउटपुट वोल्टेज है उसके वो कितना डिस्प्लेसमेंट उसके रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू मिलती है ठीक है हमने सारे केसेस भी डिस्कस करिए तो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ योर एल नेक्स्ट एल वी डी टी प्रोवाइड्स लेस फ्रिक्शन ये डिस्कस कर दिया था हमने इन फाइनाइट रेजोल्यूशन इज प्रेजेंट इन एल वी डी टीज ठीक है लो हिस्टेरिसिस मीन्स अब देखो एल वी डी टी में एक जो एडवांटेज है उसमें लो हिस्टेरिस ओके ठीक है लो हिस्टेरेसिस बेसिकली आप लोगों ने मेजरमेंट्स में पढ़ा होगा हिस्टेरेसिस एरर ओके तो बेसिकली अगर हम हिस्टेरिस की बात करें तो हिस्टेरेसिस क्या होता है हिस्टेरेसिस एरर मीन्स कि हम जब एक इनपुट सिग्नल दे रहे हैं तो हमें उसके रिस्पेक्ट में अगर सेम इनपुट है तो आउटपुट भी हमें वही मिलना चाहिए ठीक है तो ऐसा होना चाहिए बट विथ द इफेक्ट ऑफ हिस्टेरेसिस क्या होता है कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इनपुट दे रहे हैं तो हमारा वो पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है ठीक है उसी अमाउंट ऑफ इनपुट पे हमें दूसरी वैल्यू मिल रही है देख रहे हैं आप इस ग्राफ में ठीक है कि हम जब इनपुट को दे रहे हैं तो हमारा इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है फिर जब हम उसी इनपुट को डिक्रीज कर रहे हैं इंक्रीजिंग वैल्यू में हमें ये आउटपुट मिल रहा है डिक्रीज कर रहे हैं तो हमें दूसरा आउटपुट मिल जा रहा है ठीक है मीन्स ये पाथ फॉलो कर रहा है तो मतलब इस टाइप के एरर को हम क्या बोलते हैं एरर तो अब इसमें एल में लो हिस्टेरेसिस होता है इट डेफिनेटली मीन्स कि हमारा जो इसकी रिपेटिबिलिटी है वो अच्छी होती है ठीक है अब मतलब जो हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है सेम इनपुट के लिए हमें आउटपुट जो आउटपुट की वैल्यू है वो सेम मिल रही है ठीक है तो ये एक अच्छी चीज़ है मीन्स हमारी रिपीटिबिलिटी इसकी अच्छी है एल की ओके नेक्स्ट तो एल uh, में ये होता है कि आप, आपका जो हिस्टेरिसिस एरर है वो लेस होती है ठीक है उस हिस्टेरिसिस एरर के लेस होने का इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सिग्नल की रिपेटिबिलिटी है वो अच्छी हो रही है मींस हमें एक इनपुट सिग्नल के लिए हमें वही आउटपुट जो हमारा प्रीवियस मिला है वही आउटपुट सिग्नल मिल रहा है ठीक है तो मतलब दिस इज़ गुड रिपीटिबिलिटी ओके नेक्स्ट इज़ एल वी डी टी गिव्स लो पावर कंजम्शन ओके तो एल वी डी टीज़ को हम पावर को मतलब सिग्नल uh, को चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा पावर की जरूरत नहीं होती तो हिन्स इट कंज्यूम्स लो पावर ओके तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ योर एल वी डी टीज ठीक तो हमने अभी तक ओवर देअर हमने क्या देखा कि देयर आर सेवरल एडवाटेजेस ऑफ एल वी डी टीज ठीक है क्या क्या एडवांटेज हमने देखा कि हमारा एक सिग्नल जो है वो हाई रेंज को मेजर करता है ठीक है इसमें फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं होते हैं नो बियर एंड टीयर इफेक्ट्स ओके इन फाइनाइट रेजोल्यूशन देता है ठीक है और इसमें लो हिस्टेरेसिस होता है ठीक है लो हिस्टेरेसिस डेफिनेटली मीन्स कि इसकी रिपीटिबिलिटी अच्छी है ओके okay? और इट गिव्स मतलब लो पावर कंजम्पशन ओके तो दीज आर ऑल अबाउट योर एडवांटेजेस ऑफ हेल्विडिटी नेक्स्ट देर आर यू समिसएडवाटेज ऑफ हेल्विडिटीज दैट इज़ योर सील्डिंग इज रिक्वायर्ड सिंस इट इज सेंसिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड्स ठीक है इसमें बेसिकली सील्डिंग जरूरी होती है क्यों होती है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड्स के टूवर्ड्स काफ़ी सेंसिटिव होता है ठीक है इसलिए हमें उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है प्रॉपर उसे सील्डिंग करनी पड़ती है ठीक है सो दैट इट विल नॉट द आउटपुट विल बी नॉट डिस्टॉर्टेड विथ द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ठीक है तो हमारा आउटपुट डिस्टॉर्टेड ना हो विथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ ठीक है इसलिए हमें सेल्डिंग की ज़रूरत होती है द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसड्यूसर गेट अफेक्टेड बाय वाइब्रेशंस जो इसकी परफॉर्मेंस होती है बेसिकली वाइब्रेशंस जो होते हैं उनसे भी अफेक्ट करती है उन पर भी मीन्स जो शॉक या वाइब्रेशंस होते हैं तो इसके सर्किट्री पे असर पड़ता है ठीक है तो उससे भी हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिस्टर्ब होता है ठीक है नेक्स्ट इट इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाई टेम्परेचर चेंजेस ठीक ये बेसिकली टेम्परेचर के चेंज के अकॉर्डिंग भी ये अफेक्ट करता है मीन सेंसिटिव टूवर्ड्स द टेम्परेचर वेरिएशंस ठीक है तो ये भी आपका डिसएडवांटेज है और एक है डायनेमिक रिस्पॉन्स इज स्लो इसका जो रिस्पॉन्स होता है डायनेमिक वो स्लो होता है ठीक है तो दीज आर द सेवरल फ्यू डिसएडवांटेजेस यू कैन सी ठीक है सील्डिंग ज़रूरत होती है और बेसिकली हमारा जो इसका परफॉर्मेंस है वो आपके वाइब्रेशंस और सॉक्स पे अफ़ेक्ट करता है ठीक है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है बेसिकली टेम्परेचर के वेरिएशन से ये अफेक्ट करेगा ठीक है और इसका डायनेमिक रिस्पॉन्स स्लो होगा ठीक है तो अगर एग्ज़ाम में आता है वॉट आर द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ योर एलबीडिटीज़ ठीक है तो आप डायग्राम बना के उसके प्रॉपरली उसके कंपोनेंट्स दिखाओगे ठीक है सॉफ्ट आयरन कोर का बेसिकली कैसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है आइदर इट इज इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ठीक है और इन द नल पोजीशन हमारा जो आउटपुट वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे ठीक है कि ये कैसे काम कर रहा है बेसिकली एल तो ये सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करना होगा ठीक है पॉइंट वाइज पॉइंट फिर उसके एडवांटेजेस बेसिकली इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स देखनी होगी ठीक है कि हम हमारा हमारा कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका जैसे जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा आउटपुट वैल्यू चेंज हो रही है वो कैसे इंक्रीज हो रही है Linearly increase हो रही है हेल्प ऑफ ग्राफ हमने उसे जस्टिफाई किया फिर नेक्स्ट आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हमने देखा एल का कवर किया फिर नेक्स्ट जो है व्हाट आर द यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ योर एल ओके तो हम एल वी डी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि इट एक्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स ठीक है तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कैसे आपका काम कर रहा है बेसिकली प्राइमरी ट्रांसड्यूसर हमारा क्या कर रहा है यहाँ पर देखो डिसप्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट हैड बीन गेटिंग चेंज इन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल ठीक है वोल्टेज के फॉर्म में चेंज हो रहा है तो ये एज ए प्राइमरी ट्रांसड्यूसर भी वर्क कर सकता है ठीक है डिस्प्लेसमेंट हैज़ बिन गेटिंग चेंज इन टू वोल्टेज ठीक है तो ये एज प्राइमरी काम कर रहा है सेकेंडरी ट्रांसोड्यूसर्स की तरह भी का काम कर सकता है कैसे कर सकता है कि जब हमने एक ऐसा सेटअप बनाना है जहाँ पर हमारा सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर जहाँ पर प्रेशर फोर्स इसको चेंज करके हमारा वोल्टेज मिल रहा है ठीक है तो हमने एक ऐसा सेटअप देखा था प्रीवियसली आपने पढ़ा होगा एग्जांपल्स uh, में प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स के तो हमने एल को बॉर्डन ट्यूब से कनेक्ट कर दिया था ठीक है तो बॉर्डन ट्यूब बेसिकली हमारा क्या था बॉर्डन ट्यूब हमारे डिसप्लेसमेंट को बेसिकली uh, प्रेशर को डिसप्लेसमेंट में चेंज कर रहा था ठीक है तो प्रेशर जो था आपका प्रेशर इज गेटिंग कन्वर्टेड इन द डिसमेंट ठीक विद द हेल्प ऑफ योर बॉर्डन ट्यूब ठीक है तो बॉर्डन ट्यूब से हमारा तो बॉर्डर ट्यूब यहाँ पर एज ए प्राइमरी ट्रांसड्यूसर वर्क कर रहा था और इसके जो दूसरे एंड जो फ्री एंड था उसमें हमने एल की सॉफ्ट आयरन कोर लगा दी थी ठीक है तो जो फ्री एंड मूव कर रहा था तो उसके मूवमेंट के कारण जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट वोल्टेज मेजर कर ले रहे थे तो बेसिकली हमारा फर्स्ट कन्वर्जन क्या हुआ था प्रेशर से डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ फिर विद द हेल्प ऑफ एल हमने डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर दिया आपके आउटपुट वोल्टेज में ठीक है तो ये एज एंड सेकेंडरी वोल्टेज काम कर रहा है ठीक है एल वी डी टी इज़ यूज टू मेजर डिस्प्लेसमेंट रेंजिंग फ्रॉम फ्रैक्शनल मिलीमीटर टू सेंटीमीटर ठीक है इसमें बेसिकली यूज बताया कि कहाँ से कहाँ तक मेज़र कर सकते हैं ठीक है एल वी डी टी कैन बी यूज एज ए डिवाइस टू मेज़र फोर्स वेट एंड प्रेशर ई टी सी ठीक है तो फोर्स वेट और प्रेशर के तरीके मेजर करने के लिए हम एज एन सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के तरीके काम करते हैं ठीक है अब ये देखो ये एक सेटअप है मैं इसी सेटअप की बात कर रही थी कि इसमें एल जो है वो एज एन सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर वर्क कर रहा है ठीक है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कैसे वर्क कर रहा है इसके एक एंड में देखो हमने बॉर्डन ट्यूब लगा दिया बॉर्डन ट्यूब क्या कर रहा है हमारा प्रेशर इसका एक एंड फिक्स होता है ठीक है फिक्स है तो हमने प्रेशर अप्लाई किया इसके फिक्स एंड में तो उसके बाद हमारा जो ये दूसरा फ्री एंड है बॉर्डन ट्यूब का ये मूव करेगा और हमने दूसरे एंड में इसके एक पुली कॉर्ड और पुली लाइक -like स्ट्रक्चर से हमने सॉफ्ट आयरन कोर और एल की कनेक्ट कर दी है ठीक है तो ये जब हमारा बेसिकली मूवमेंट होगा फ्री एंड का तो ये हमारा ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा कोर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा इसी डायरेक्शन बेसिकली मूवमेंट के कारण जो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है वी आउटपुट वो हम मेज़र कर लेंगे ठीक है वी वन माइनस वी टू हो जाएगा या वी टू माइनस वी वन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द शिफ्ट ऑफ दिस आयरन कोर सॉफ्ट आयरन कोर तो ठीक है तो दिस इज द सेटअप ऑफ योर सेकेंडरी एज एन सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर ठीक है तो हम एल को सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के तरीके भी हम कैसे वर्क कर रहे हैं प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के तरीके भी कर सकते हैं सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के तरीके भी कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में कवर की कि कैसे हमारा एल वर्क करता है डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम कैसे इसके ग्राफ को वैरी करते हैं ठीक है जैसे जैसे हमारा डिसप्लेसमेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे इनपुट बेसिकली हमें आउटपुट वोल्टेज और किस रेंज पे ये वर्क करता है तो बेसिकली जो हमारी रेंज लीनियर रेंज है वो है आपकी ज़ीरो टू फाइव एम एम ठीक है तो हमने जब शिफ्ट कराया बेसिकली अलग अलग पोजीशंस में देखा कि हमारा आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ठीक है और हमने देखा कि बेसिकली नल पोजीशन पे हमारा जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था वो जीरो मिल रहा था बट कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज था ठीक है जो उस वोल्टेज को हम क्या बोल रहे थे रेसिड्यूल वोल्टेज तो दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू पीपल ओके सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विथ एन एग्जाम्पल ठीक है इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि कैसे हम इसके डिस्प्लेसमेंट और सेंसिटिविटी को फाइंड आउट करते हैं ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास ओके थैंक यू क्लास